हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस वेब डेवलपमेंट सीरीज हे लेट्स रन दिस राइट क्लिक ओपन विद लाइफ सर्वर यू कैन सी दिस इज़ रनिंग ओके सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन दिस आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि एग्जैक्टली exactly ये चीज़ें क्या है मैं इसे हटा देता हूँ एच टी एम एल टैग इज़ एक्चुअली मैंने यहाँ पर लिख दिया एच टी एम एल टैग और एस टी एम एल टैग को मैंने क्लोज़ कर दिया एक्चुअली ये काम क्लोज वाला काम जो है विजुअल स्टूडियो कोड ऑटोमेटिकली कर देता है आपको जस्ट टैग लिखना है राइट right. अब तीन मोस्टली कॉमन टैग हैं जो यूज़ होते हैं एस टी एम एल एस टी एम एल के अंदर एक टैग यूज़ होता है जिसका नाम है हेड जैसे मैंने लिखा हेड ऑटोमेटिकली देखिए क्लोजिंग टैग आ गया क्लोजिंग टैग क्या है आपने हेड लिखा उसके आगे क्लोजिंग टैग बिल्कुल सेम है बस उसमें स्लैश लगा हुआ है राइट right. हेड के अंदर क्या लिखते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे और तीसरा जो मोस्ट कॉमन टैग है जो यूज़ होता है बॉडी यानी तीन टैग सबसे ज़्यादा यूज होते हैं अगर आपको वेब पेज बनाना है तो एच टी एम एल बॉडी राइट और तीनों को हमने क्लोज कर दिया है हेड के अंदर क्या होता है हेड के अंदर होता है टाइटल राइट प्रेस कीजिए और इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन कीजिए इंडेंटेशन क्या होता है इंडेंटेशन का मतलब है जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर सकता हूँ टैब टैब में प्रेस कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये राइट अलाइन होता जा रहा है और शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा तो बैक अलाइंट होता जाएगा शिफ्ट प्लस टैब ठीक है तो आपको ऐसे नहीं रखना है दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस आपको रखना है टैब प्रेस कर देना है और आपको यहाँ पर ऐसे स्पेस अलाइन कर देना इसे बोलते हैं हम इंडेंटेशन राइट right. अब आपको जो भी टैक्स लिखना है जो भी बॉडी बॉडी में टैक्स लिखोगे वो आपकी वेबसाइट का कंटेंट हो जाएगा तो फ्रेंड्स बॉडी में हमने लिखा क्या वेलकम टू माय वेबसाइट या मैंने लिखा माय वेबसाइट सेव कर दिया ऑटोमेटिक देखिए यहां रिफ्लेक्ट हो गया अब यहां पे टाइटल क्या है टाइटल में मैंने लिखा वेलकम टू माई वेबसाइट यू कैन सी मैंने जैसे ही सेव किया यहाँ पे आप नोटिस कीजिए यहाँ पे टाइटल में आ गया वेलकम टू माय वेबसाइट तो दिस इज द टाइटल ऑफ योर वेब पेज बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो आपके वेबसाइट का कंटेंट हो जाएगा टाइटल के अंदर जो लिखेंगे वो आपके वेबसाइट का टाइटल हो जाएगा अब फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे हेडिंग टैग भी होता है एच वन एच वन लिखा टैप प्रेस एच वन को क्लोज कर दिया ठीक है अब एच वन के अंदर इनसाइड ऑफ द टैग ये जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं इनसाइड ऑफ द टैग मैंने लिखा माय uh, वेबसाइट अब क्या होगा और मैंने सेव कर दिया सी ये आपके साइज़ आपका जो हेडिंग है वो एक साइड एक लार्ज साइज में आ गया ठीक है तो यहाँ पे H1 वन का मतलब है हेडिंग वन H1 वन से H6 सिक्स तक हेडिंग होती है H1 वन एच टू राइट सो आप ऐसे लिख सकते हो ठीक है एच सिक्स सबसे छोटा वाला हैडिंग होता है मैंने लिखा हैडिंग सिक्स सबसे छोटा अगर हेडिंग लिखना है तो आप एच सिक्स लिख दो ये जो हैडिंग है वो गूगल को भी हेल्प करता है एस में कि अगर एच वन है तो यह आपकी वेबसाइट का हेडिंग है एच टू है तो हो सकता है आपकी वेबसाइट में जो सेक्शन्स हैं उनकी हेडिंग है यानी वेबसाइट को रैंक में लाने के लिए गूगल में जो गूगल है वो क्या करता है आपके वेबसाइट के एच वन एच टू टैक्स को यूज करता है हेडिंग को यूज करता है अब बात करें पैराग्राफ्स की तो पी टैग होता है पी टैग से पैराग्राफ होता है मैंने लिखा दिस वन ऐसे ही आप दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो पी लिखो दिस इज पैराग्राफ टू सेव कर दो कंट्रोल एस पैराग्राफ में क्या होता है जो भी आपने लिखा उसके बाद ऑटोमेटिक एक लाइन जो है इंसर्ट हो जाती है फिर पैराग्राफ टू प्रिंट करोगे तो दूसरी लाइन ठीक है दिस पैराग्राफ टू पैराग्राफ की स्पेलिंग गलत है मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ राइट right. तो पैराग्राफ लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दी जाती है फिर दूसरी लाइन आ जाती है अगर पैराग्राफ में आपको कोई भी टेक्स्ट लिखा है आपको उसे बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए आप कौन सा टैग यूज़ कर सकते हो बी टैग बट बी टैग जो है वो पुराने वर्जन्स में यूज़ होता था एस टी एम एल फाइव में ये बी टैग यूज़ नहीं होता है सॉरी बी को क्लोज कर दिया सेव कीजिए देखिए पैराग्राफ जो वर्ड है वो बोल्ड में आ गया राइट right. तो अब एस टी एम एल फाइव में कौन सा यूज होता है बी टैग जो है ट्रेडिशनली यूज़ होता था एस टी एम एल फाइव से पहले तो आपको यूज़ करना है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो है वो एस टी एम एल फाइव में यूज़ होता है सेम काम करता है स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रॉन्ग भी आपके उस टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है राइट right. अगर आपको इटैलिक करना है तो आप आई टैग पहले यूज़ करते थे बट एस टी एम एल फाइव में आप क्या यूज़ करोगे सेव किया देखिए इटैलिक हो गया अगर आपको एस टी एम एल फाइव की बात करें तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ई एम इन्फास देखिए यहाँ पे इटैलिक ही आएगा लेकिन यहाँ पे टैग चेंज हो गया एस टी एम एल फाइव में फ्रेंड जो HTML है वो सिर्फ कंटेंट को प्लेस करता है आपकी वेबसाइट में अगर आपको कंटेंट लगाना है जैसे कि टेक्स्ट लिख दिया आपने बटन लगाना है बटन लगा दो बटन टैग होता है आ, मैंने लिखा क्लिक मी तो बटन लगा सकते हो इमेजेस लगा सकते हो टेक्स्ट लगा सकते हो लेकिन अगर आपको उनकी स्टाइलिंग करनी है यानी उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है ब्यूटीफुल बनाना है जैसे कि मैं इसका कलर चेंज कर दूँ इसकी बैकग्राउंड पेजेस की बैकग्राउंड चेंज कर दूँ तो ये सारे काम जो है आपको उसके लिए सी एस एस यूज़ करना पड़ेगा कि जैसे मैं बटन पे ले जाऊँ उसका जो है एच ओवर कलर चेंज हो जाए बैकग्राउंड जो बटन का जो कॉर्नर है वो चेंज हो जाए कॉर्नर का शेप चेंज हो जाए राइट तो ये सारे काम करने के लिए ब्यूटीफाई करने के लिए आपकी वेबसाइट को सी एस एस की ज़रूरत पड़ती है और अगर आप चाहते हो कि मैं बटन पे क्लिक करूं और कुछ एक्शन हो जाए तो आपको उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा तो जावास्क्रिप्ट आप सोच सकते हो कि आपको कोई टास्क करना है कोई ऑपरेशन करना है कोल्डिंग cool जैसे कि आप कर सकते हो जैसे आप चाहते हो कि मैं अपनी वेबसाइट से कुछ पोस्ट करूँ वो फेसबुक पर पोस्ट हो जाए तो कुछ ऐसा काम जो है वो जावा स्क्रिप्ट से कर सकते हो तो फ्रेंड्स एक चीज़ और फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ हाई दिस इज़ एस टी एम एल पेज और मैं यहाँ पे कितने भी वाइट स्पेसेस दे देता हूँ तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके एस में वाइट स्पेसेस को एक ही वाइट स्पेस को काउंट किया जाता है बाकी वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर दिया जाता है आप सेव करो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता राइट तो ये आपको ध्यान रखना है अब दूसरी चीज़ अगर आप कुछ भी लिखते हो ठीक है आपने भले ही लाइन चेंज कर दिया सेव किया लेकिन ये सेम ही लाइन में आता है लाइन ब्रेक नहीं होता ठीक है अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिखना होगा एक टैग जिसका नाम है बी आर टैग अब बी आर एक सेल्फ़ क्लोजिंग टैग है सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब इसे अलग से क्लोज करने की जरूरत नहीं है आप यहीं पे क्लोज कर दो तो आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज़ माई वेबसाइट सेकेंड लाइन में आ गई बी के बाद की लाइन सेकेंड लाइन में आ गई ठीक है तो आप इजिली यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखेंगे आप उनका लाइन चेंज कर सकते हैं तो बी आर आई होप आप समझ गए होंगे ब्रेक के लिए यूज़ होता है बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक फ्रेंड्स अगर बात करें आगे तो एक टैग होता है आई एम जी अगर आपको इमेज लगाना है तो आई एम जी टैग होता है आई एम जी यूज़ करो ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह यूज़ होता है अब यहाँ पर आप जो है आई एम जी टैग तो आपने लगा दिया बट इमेज कौन सी लगानी है उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट देना होता है ठीक है तो टैगस के पास एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं एस आर सी नाम का एट्रीब्यूट है यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो कि कौन सी इमेज लगानी है आपकी इमेज लग जाएगी ठीक है तो टैग्स का मतलब आप जो टैग लिखते हो वो और टैग के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आपका एट्रीब्यूट काम करता है कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको शो करता हूँ मैं जाता हूँ वहाँ पे फोल्डर में जहाँ पे हमने वेबसाइट फोल्डर बनाई थी और वहाँ पे मैं एक इमेज को पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक इमेज को पेस्ट कर देता हूँ मैंने एक इमेज यहाँ पे पेस्ट कर दिया अब मैं चलूँगा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे मैं उस पिक्चर का नाम लिखूंगा जैसे ही मैंने एम लिखा ऑटोमेटिक उसने उस फोल्डर में डिटेक्ट कर लिया कि हाँ जी माई वीडियो पिक डॉट पी एन जी नाम का एक इमेज आ चुका है मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा सेव मैं रन कर लेता हूँ एक बार और ओपन लाइव सर्वर और देखिए यहाँ पे, ये मेरी इमेज यहाँ पे आ चुकी है अब इस इमेज के बारे में हमने तो बता दिया कि ये इमेज लगाना है वैसे ही आपके पास दूसरे एट्रीब्यूट्स भी हैं विथ है आपने विथ कहा कि ये जो है 200 हंड्रेड पिक्सल्स दिखने चाहिए तो आप कंट्रोल एस करो देखो ये 200 हंड्रेड पिक्सल्स पर सेव हो जाएगा हाइट आप चाहो तो हाइट चेंज कर सकते हो तो ये एक बहुत सारे टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं आप उन एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ कर सकते हो ठीक है तो ये परफेक्ट नहीं दिख रहा मैंने इसका हाइट चेंज कर दिया तो आई होप आपको ये इमेज वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा अब इमेज समझ में आ गया है तो आपको एक चीज़ और होती है वो मैं बता दूं आपको तो यहाँ पे एक टैग होता है जिसका नाम होता है यूएल टैग मोस्टली यूज होने वाला टैग है जो हर एक वेब डेवलपर को यूज करना ही पड़ता है अपनी वेबसाइट में यूएल का मतलब होता है अनऑर्डरलिस्ट अनऑर्डर लिस्ट उसके अंदर आपको लिखना है लिस्ट आइटम एल आई एल आई टैग यानी कि मैंने लिखा मान लो फर्स्ट पॉइंट सेव किया तो यहाँ देखिए एल li, आई एक लिस्ट पॉइंट आ गया आप इसे सेव कर सकते हो कंट्रोल सी करो और पेस्ट करो ठीक है तो वैसे आप बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हो थर्ड पॉइंट बना लीजिए सो so ये थर्ड पॉइंट हो गया और ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट सेव कीजिए तो ये आपका जो है बुलेट्स पॉइंट में आपकी लिस्ट आइटम आ गई एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम यू एल स्टैंडर अनऑर्डर्ड लिस्ट अब यूएल का जो यूज़ है वो यूज़ होता है नैब बार में नेविगेशन करने के लिए ऊपर आपने देखा होगा नैब बार होता है वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेजेस पे मूव करते हैं तो वहाँ पर यूएल यूज़ होता है एक और ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है ओ एल ओ एल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट ठीक है बट ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता मोस्टली लोग इसे यूज़ नहीं करते ठीक है तो ज़्यादा यूजफुल जो है वो ज़्यादातर जो यूज़ होने वाला टैग है वो आपका यूएल टैग है ठीक है बुलेट्स यूज होते हैं आप इसकी जगह पे इमेज भी लगा सकते हो तो फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे फटाफट मैं H1 वन यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना लेता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट और जैसा कि आपको मालूम है कि आपको एस सिर्फ कंटेंट कंटेंट के लिए यूज़ होता है बस आप वेबसाइट के अंदर जो है टेक्स्ट डाल सकते हो इमेजेस डाल सकते हो ये सारी चीज़ें डाल सकते हो बस ब्यूटीफाई नहीं कर सकते राइट right? ब्यूटीफाई करने के लिए आपको सी का यूज़ करना पड़ेगा जो कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में तो आई होप आपको ये चीज़ एस के बेसिक टैक्स समझ में आ गए होंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में सी को कंटिन्यू करते हैं